दोस्तों, क्वारंटीन का वक्त चल रहा है, कोविड-19 अपनी शिखर पे है और लॉकडाउन की कंडीशन हमें दे रखी हैं। और कंडीशंस भी कुछ ऐसी हैं कि हम पैसा खर्च तो कर सकते हैं लेकिन कमाई नहीं कर सकते कुछ मायनों में। दोस्तों, अगर आपकी भी परेशानी यही है कि मेरा भी कुछ ऐसा बिजनेस है कि मैं बाहर लॉकडाउन में नहीं जा सकता पैसे कमाने, तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए और शायद अपनी खुद मदद भी कर सकें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त वीडियो छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से एक ऐसा रास्ता बचा है मेरे ख्याल से कि जिससे आप खर्च भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं और बाद में निवेश भी कर सकते हैं दोबारा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जितना कठिन दिखता है उतना है नहीं, खासकर इन दिनों जब लोग सोचते हैं कि मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। दोस्तों, ये भी सच है कि कुछ मार्केट ऐसी हैं जो अभी भी ऊपर हैं और ऊपर जाती जा रही हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि किसमें और कैसे हम निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में। दोस्तों, आपको पहले ये कंडीशंस है कि एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा, जो कि आप आजकल ऑनलाइन ही खोल सकते हैं कुछ पैसे देके, और किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर से खुलवा सकते हैं, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, ज़ीरोधा, ग्रो ऐप और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। 500 से लेके 1500 आप किसी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन दोस्तों, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो आजकल बहुत ऊपर जा रहे हैं और डेली इनकम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड डे बाय डे इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इस इंडस्ट्री की वजह से, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल्स और FMCG जो स्टॉक्स हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स के भी प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये एकदम सही तरीका है और सही वक्त है, इस समय आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, या मैं भी मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट घटता बढ़ता रहता है, तो दोस्तों, कहीं मेरे को लॉस तो नहीं हो जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपका पैसा सिर्फ पड़ा ही हुआ है, आप सिर्फ खर्च ही कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है कहीं से, तो ये भी तरीका आपको ट्राई करना चाहिए। आपको अगर प्रॉफिट मिलता है तो वो भी अच्छा है। तो अगर आप इन्वेस्ट भी कर देते हैं और लॉस भी होने लगता है आपको, तो आप उस शेयर्स को सेल ना करें, उसको होल्ड करके रखें। कभी ना कभी तो वो बढ़ेगा, और लॉकडाउन के बाद बहुत सी चीज़ें बढ़ने वाली हैं, जैसे कि FMCG मार्केट बढ़ेगी, आपकी नेटवर्किंग मार्केट बढ़ेगी, जैसे कि रिलायंस ने अभी हाल ही में फेसबुक के साथ कोलैब किया है। होप है इस चीज़ में। और दोस्तों, आगे मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट खींच लेगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सी मार्केट अभी किस पोजीशन पे चल रही है और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उन टॉप 5 मार्केट्स। दोस्तों, इस समय, इस लॉकडाउन के समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एकदम जेन्युइन तरीका है अपने पैसे को काम पे लगाने का, ना कि वो पड़े पड़े काय लगेगी तो कोई मतलब नहीं है उन पैसों का। ये अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मिलती नहीं है कि आपको इस समय में मार्केट जब पूरा डाउन चल रहा है, अगर आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे और जब वो बढ़ेगा मार्केट, तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। मैंने लिस्ट आपको दी थी पीछे की तरफ, वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार और कि टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं जो अभी ऊपर जा रही हैं और जाने के और चांसेस हैं, तो उसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं आपको एक और लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि जो आजकल जो चल रहा है वो वन वे प्रोसेस चल रहा है, और जो हाल ही के डेज में थे वो आपके टू वे प्रोसेस चलते थे आपके मनी के, जैसे कि आप खर्च भी करते थे और कमाते भी थे और सेव भी करते थे। दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि आप अपनी सेविंग्स में से अपना एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं, मतलब आपकी इनकम कहीं से नहीं आ रही, आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। टू वे प्रोसेस ना टूटे, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, सेव भी करके रखते हैं, आप खर्च भी कर रहे हैं और थोड़े बहुत कमा भी रहे हैं। तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर बजा देना।